हेलो दोस्तों दोस्तों सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड जॉब वैकेंसी आ चुकी हैं। दोस्तों ये अप्रेंटिस जॉब हैं, मतलब 1 साल लिए तो चंगी सैलरी तो रखेंगे, 1 साल बाद तो सर्टिफिकेट दे देंगे ता जो तुम फिर तो अप्लाई कर सको ताकि तो एक्सपीरियंस आ चुके। तो दोस्तों आप सीधा इन्हों का ऑफिशियल साइट पर जो नोटिफिकेशन आउट होया है उस उत्ते चलते हैं। तो देखो दोस्तों आज सामने है जो जॉब वैकेंसीज है। दोस्तों पहली पोस्ट फिटर दी है, 250 वैकेंसीज ने, इस विच 10th पास ते ITI मंगी गई है। इस दी एज लिमिट है दोस्तों 18 तो 30 साल के विचकार है। SC ST नू गवर्नमेंट रूल अनुसार 5 तो 3 साल की छोट है। ओके दोस्तों अगर नीचे देखिए तो उस तो बाद वेल्डर की पोस्ट 40, इलैक्ट्रीशियन की, तो बाकी तुम हाँ क्वालिफिकेशन पढ़ सकते हो कि एलिजिबिलिटी मंगी गई है। तो दोस्तों टोटल 8 तरह दी पोस्टां हन ते टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 750 है। तुसीं उरे बाकी नॉलेज लै सकते हो जो भी तुहानूं चाहीदी है। ते दोस्तों इसकी लास्ट डेट दी गल करिए तां 15 अक्टूबर 2019 दी है। ते तुसीं ये फॉर्म 15 तरीक तक अप्लाई कर सकते हो। ते अगे गल करिए तां अगे तां वैसे कोई जानण वाली गल नहीं है। बाकी दोस्तों हुण मैं तुहानूं दसदा हाँ कि तुसीं इह पोस्ट अपने मोबाइल उत्ते घर बैठ के किमें अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों तो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोसीजर नहीं है, तुसी आराम नाल 2 या 4 मिनटों में फॉर्म नू फिल करके अप्लाई कर दोगे। तो दोस्तों अगे बढ़न तो पहला जे तुसी भी साडा चैनल सबसक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लो, ता जो मैनू भी थोड़ा मोटिवेट फील होवे ते मैं नई नई जॉब वैकेंसी थोड़े लिए लेके आ सकां। ओके दोस्तों तां दोस्तों जे तुसी ये पोस्ट घर बैठ के अपने मोबाइल उत्ते फ्री भरना चाहते हो तां तुहानू सब तो पहले आपके मोबाइल के ब्राउज़र विच जाना पवेगा। तो ब्राउज़र विच जाके उत्ते तुसी टाइप करना है apprenticeship.gov.in, ये टाइप करके सर्च कर दो ते तुहाडे सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। ओके दोस्तों पेज ओपन होंदे सार तुहानू एक काम करना है, जिमें यह मोबाइल वर्जन लिखा होया है उरे डेस्कटॉप वर्जन लिखा होगा, तुसी डेस्कटॉप वर्जन पर क्लिक कर दो ता जो तुहाडे सामने पूरा पेज खुल जाएगा। ओके दोस्तों तो इस तों बाद तुसी नीचे वाल देखो अप्रेंटिक्स रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करो। क्लिक करन तो बाद दोस्तों इन्हां दा पूरा फॉर्म तुहाडे सामने आ जाएगा। ओके इस विच जो जो डिटेल्स मंगी गई है तुसी वो फिल करते रहो, जिमें नॉर्मल डिटेल हर फॉर्म विच मंगी जाती है उही डिटेल इस फॉर्म विच मंगी गई है। पहला तुसी कैंडीडेट टाइप, जे तुसी चाहो तो कैंडीडेट टाइप फिल कर सकते हो। मेन गल सिंपल जी गल जिथे जिथे हर रेड स्टार लग्या होया वह कॉलम आपां भरना है, जिथे नहीं लग्या वह भर दो तां भी ठीक है, जे ना भरो तां भी ठीक है। जिवें हुण कैंडीडेट टाइप तो रेड स्टार नहीं लग्या, तो डेट ऑफ बर्थ ते लग्या है, नेम ते भी लग्या रेड स्टार, तो फादर नेम ते लग्या, आधार कार्ड ते नहीं लग्या, आधार नंबर ते नहीं लग्या। जिन्हां ते रेड स्टार नहीं लग्या है वह कॉलम भरो या ना भरो कोई मैटर नहीं रखता, बट ये लाल स्टार वाले कॉलम भरने जरूरी हैं। तो इस तरह जो जो चीज़ां मंगी गई हैं जिमें एड्रेस हो गया, स्टेट नॉर्मल जी वो मतलब क्वालिफिकेशन हो गया, तो जो भी इंस्टीट्यूट कितों की है, तुम 10th पास की है जो ITI पास की है उसकी डिटेल भरनी है दोस्तों। इस तो बाद सारा कुछ चैक करके तुम सब तो हम नीचे आओगे तो उरे अपनी पासपोर्ट साइज फोटो भरनी है, तो डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन 10th का भर सकते हो भावें उरे, बाकी तुसी हाँ मतलब कि अपन वो चाहिए यदा प्रूफ चाहिए कि हाँ डेट ऑफ बर्थ का वह डॉक्यूमेंट भरना है। तो ओके दोस्तों इस तो बाद उरे टिक मार्क करके इस तो बाद सबमिट पर क्लिक कर दो दोस्तों। बस इस तो बाद अगे कुछ नहीं करना दोस्तों, तुहाडे कोल मेल या कॉल आएगी, इन्हां दे इंटरव्यू होगा जो भी, तो तुसी उत्थे पहुँच जायो। तो दोस्तों जे तुहानू यह वीडियो कम दी लगती है तां प्लीज़ चैनल नू सबसक्राइब कर लो, तो अपने यार वैली फ्रेंड भैन भाई जो भी है उन्होंने शेयर कर दो ता जो वो भी ये फॉर्म भर देन अते अप जॉब वास्ते अप्लाई हो जान। ओके दोस्तों थैंक यू।